मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों से संवाद कर रहे हैं, ये महामारी आंखें खोलने वाली है, सीएम ने ये कहा है। हम सब लोग, सभी पंथ के लोग, पूरे मानव समाज के लोग, देश और विदेश के लोग, वैश्विक एकता बनाकर हम सब भारत को विश्व बंधुत्व में माननीय मोदी जी और योगी जी के अगुवाई में मजबूत शक्तिशाली भारत को फिर से उठाकर पहले जो इसकी एक अगुवाई करने की क्षमता थी उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस आपदा में हम अपने मनोबल को, हम अपने इन सब राष्ट्र नायकों के अगुवाई में सरकार को इतना मजबूत बनाए और देश को और दुनिया को कि हम यह संघर्ष जो है प्रकृति का सहारा लेते हुए भविष्य में आगे बढ़ सके। हमारे जितने भंतेगण समय समय से यहाँ इसमें रुचि लिए बैठे और संकल्प लिए हैं, यह बड़ी एक ऐतिहासिक बात है। आप देखें हमारे पंते जी भी और विभिन्न पंथों के लोग अभी ज्यादा नहीं आए हैं, हम लोग आगामी एक समय में सभी पंथों की ओर से मिलते इस काम को आगे बढ़ाने में, एकता से चलने में संकल्प बनाए। लेकिन हम तत्काल में यह सब संकल्प लेते हैं कि इस काम में हम जो जहां है वही जिस रूप में जो सहयोग कर सकेंगे, हम समाज में, सरकार में और वैश्विक स्तर पर हर सहयोग के लिए संकल्पबद्ध है और लगे हुए हैं। यह प्राकृतिक एक आपदा है जो हम प्रकृति के विपरीत जितना हुए यह उसी का परिणाम थोड़ा से ज्यादा आया। हम सब प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं, भारत हमेशा प्रकृति के अनुकूल चला, हमेशा से भारत ये आदिकाल से ये सनातन प्रक्रिया रही है कि हम सब प्रकृति के अनुसार धर्म को मानते हैं। धर्म प्रकृति का ही धर्म, धर्म है एक है, सभी पंथ मिलकर देश काल परिस्थितियों में बने। तथागत आज जो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये तथागत के समय में भी देश काल परिस्थितियों से और आज तक जितने भी पंथ हुए हैं सबने कम ज्यादा करके समाज की रक्षा किया और समाज को आगे बढ़ाया। आज उसी प्रकार हम लोग आज की परिस्थितियों में सभी जात सभी पंथ के लोग एक साथ मिलके देश में विदेश में और हर स्तर से एकता बनाए रखें ये संकल्प करें। और हम लोग यह संकल्प बना भी चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के हमारे जितने सदस्य गण हैं सभी और उनके साथ अन्य सहयोगी गण, गांव स्तर पर ये बात आगे जा रही है कि हम प्रकृति के अनुसार चले, जो हमारे प्रकृति से आगे बढ़ेंगे विपश्यना साधन ही हम सभी पंथों को जोड़ने का एक माध्यम है। उसमें तमाम लोग लग गए हैं और अपने हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक ऐसा हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ऐसे योग्य और कुशल मुख्यमंत्री हम सबको मिले। आप देखें ज्यादा न कहने का अवसर है, फिर भी इधर 20 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री आनंद सिंह बिष्ट का जो दिवंगत हुए वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए और हम सबके बीच रहे। यह जो ऐतिहासिक परिवर्तन का एक आदर्श है हम सबके लिए कि वो हम सब पर है, पूरे समाज के लिए इतनी बड़ी समर्पण की हमने मिली। और आज जो देख रहे हैं भारत का शासन धर्म का शासन है और पंथ निरपेक्ष, यही ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सपना था। सम्राट अशोक के समय धर्म का राज हुआ और आज हम सब माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी और आप सब भंतेगण और विभिन्न धर्मों मिलकर अब धर्म का ये युग परिवर्तन चल रहा है, धर्म का राज पुनः आगे बढ़ने का और पूर्ण रूप में नए हिसाब से बढ़ रहा है। हम सब नए ये एक रीत से नए जमाने की सृजन का है, सृजन के बेला में कुछ
को जैसे हम लोग गांव में कहते हैं कि नई भीत उठनी बा पुरानी भीत गिरतिया, तो पुरानी भीत है, पुरानी हमारी कठिनाइयां हम जो विपरीत प्रतीत के हुए उससे घबराता गया विभिन्न मामलों में, हमने पर्यावरण को बिगाड़ा। इसमें एक हमारा ये जो श्यामिया है इसमें हमें कहने का संकोच नहीं है कि वो अध्यात्म से कुछ दूर हो पा गया है, जिसका परिणाम है कि वह अंधकार, वह अधर्म की वो के किरण जो है वहीं से फैली, कुछ ऐसा अनुमान है लोगों का। और हम सब जितने लोग हैं धर्म के एक साथ मिलकर ये देव सुख संग्राम में अपने देश को और दुनिया को सफल बनाएंगे। सबकी मंगल कामना करते हैं।